आप वहाँ तो बैठा देंगे आप चार कदम के दूरी पर अपनी मस्जिद में महिलाओं को नहीं जाने दे रहे आप से एक बात कहना चाहता हूं आप इनको हैं। आप चाहिए। मैं बिल्कुल भी पक्ष अपने जो कोड है, है उसके अनुसार ही अंदर ड्रेस होनी चाहिए सऊदी अरब में हिजाब के ऊपर कोई अनिवार्यता नहीं है सऊदी अरब से तो ये पैदा हुआ है आप सभी को नमस्ते मैं मुकेश आर्या और आज हमारे साथ हैं गुरुकुल धीरणवास के बहुत ही यशस्वी प्रधान पद पे जो शोभायमान हैं स्वामी आदित्य वेश जी महाराज नमस्ते स्वामी जी नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते।, नमस्ते। आ, हम गुरुकुल धीरणवास में हैं फिलहाल और स्वामी जी आजकल एक मुद्दा बड़ा सुर्खियों में है हिजाब हाँ हाँ, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हाँ। चल रही है तो उस बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे आप मुकेश बहन सबसे पहले आपका धन्यवाद आपने समाज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो उठाया है मेरे वैसे तो आ, हमारा मुद्दा है लेकिन आपसे पूछ रहे हैं हाँ बिल्कुल नहीं आपका ही मुद्दा है और आपने आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज में हमारी आवाज़ मिलेगी तो दूर तक जाएगी नहीं तो न कारखाने में तूती बोली किसी ने सुनने की बात रह जाएगी जी जी बिल्कुल मुकेश बहन आपने जो बात की है ना ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पर दिक्कत क्या है कि देश के पाँच राज्यों में चुनाव हो रहा है और पांच राज्यों में आप हेडलाइंस देखेंगे सुरखिया देखेंगे तो हिजाब दिखता है हिजाब का मुद्दा दिखता है जबकि चुनाव में मुद्दा होना चाहिए था शिक्षा चुनाव में मुद्दा होना चाहिए था चिकित्सा लोगों की इन बहन बेटियों की सुरक्षा और राष्ट्र ये मुद्दे होने चाहिए थे ये ना होकर के हिजाब हुआ जी जी मैं इसको एक जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है ना एक दृष्टि से अच्छा मान रहा हूँ मैं अगर उसको सही दिशा में ले करके जाया जाए बेसिकली क्या है कि जैसे ही एक बात उठी एक लड़की एक बहन ने कहा मुस्लिम बहन ने कि मुझे हिजाब पहन करके स्कूल में जाने की इजाज़त दी जाए उस समय छोटी सी बात सुर्खियों में आई पहले तो यह था कि इसकी अगर उपेक्षा कर दी जाती है तो भी कोई बात जी जी बहुत से स्कूलों में होता है और बहुत से परीक्षा सेंटर्स के ऊपर आपने देखा होगा कि वह किसी का आज भी किसी अखबार में छपा के मंगल सूत्र उतरवा दिया हाँ, जब टेस्ट देने के लिए अंदर जी, गई जी। तो लोगों की पगड़ियाँ उतरवा देते हैं सिख जब जाते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं ये सहज है ये एजुकेशन का अपना एक जो है ना सिस्टम है पर मुझे लगता है कि जो बात स्कूल की थी वो सियासत की हो गई और सियासत की होने का ही इसका दुष्परिणाम निकला मैंने शुरू में कहा था कि एक अच्छी बहस शुरू हो सकती थी एक बहन ने बात की कि मैं हिजाब पहन करके स्कूल जाना चाहती हूँ उस समय जागरूक समाज को ये बात करनी चाहिए थी कि आप स्कूल में इसको पहन करके जाना चाहते हैं इससे पहले ये विचार करना चाहिए कि महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी भी है कि नहीं है बिल्कुल सही बात वर्षों से लगभग साढ़े चौदह सौ पंद्रह सौ वर्षों से एक जकड़न जो है वो चली आ रही है और बहनों को हमेशा से जो है ना दोयम दर्जे का मान करके उनको पर्दे की वस्तु मान करके कहीं उनको ढक करके रखा जाता है घूंग घूंघट प्रथा भी कहीं ना कहीं इसी इस्लाम की देन देन है। की है। इस्लाम की सही बात है बिल्कुल धर्म के नाम पर कोई किसी पूजा पद्धति को मानता है मुझे कोई वो नहीं वो अपना माने कोई बात नहीं आप स्वतंत्र है इस भारत देश के अंदर परंतु एक आवाज जैसे उसने उठाई उसके बाद एक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए था जी जो इन बहनों के मान सम्मान की बात करता और उसमें स्पेशली ये ये बात कहते उसमें उसमें तो मैं ये भी कहना चाहता चाहे मुस्लिम बहनें थी चाहे हिंदू बहनें थी दोनों सामने आती और कहती कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं आज के बाद ये हिजाब क्यों पहना जाए इसके ऊपर सवाल उठने चाहिए थे घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा क्यों रहे क्यों रहे सही बात ऋषि दयानंद सरस्वती ने इन बहन बेटियों का वकील बनकर के सबसे पहले इनके मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित रखने की बात की और उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध, विरोध किया, किया। बिल्कुल। पर्दा प्रथा भी उसके विरोध में शामिल है और हिजाब भी उस विरोध में शामिल है तो इन दोनों के ऊपर एक सामाजिक आंदोलन होता और इन बेटियों को इन बहनों को जो है उनको भी आप समाज में आम उसमें रहने का अवसर मिलता या मैं ये भी कहना चाहता हूँ हिजाब और या घूंघट जो है इसको इतना मतलब आ, समाज में जो है भारी मुद्दा ना बना करके इसको एक सामाजिक जन चेतना बनाते के लोग जो है, 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 है बयान दिया था मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ कम, कम कपड़े पहन करके जाओ नहीं आ, नारी जो है ना वो सम्मान का प्रतीक है बिल्कुल और सही बात उसके सम्मान में ही सब वो मतलब निर्लजता नहीं चाहिए ठीक है ना हिजाब ठीक है हिजाब भी नहीं चाहिए और निर्लजता भी नहीं चाहिए तो एक सिस्टम से रहे मर्यादित जीवन जो है नारी जो है मर्यादित जीवन जिएगी तो वैसे ही संतानें होंगी और वह जैसी संतान होगी वैसा ही समाज बनता जाता है जी ये हिजाब का मुद्दा वैसे अग... अभी तो चल हिजाब आ गया उससे पहले घूंघट पर्दा पर जिसका कह रहे थे तो ये लड़ाई तो बहुत पुरानी चल रही है स्वामी जी इसमें एक नई चीज और जुड़ गई है और इस चीज का क्या राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसको इनका हाँ, फायदा मिल हाँ, रहा है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश बहन स्कूल का मुद्दा था सियासत का मुद्दा बन गया और जब भी जब 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 भी कोई भी समाज का मुद्दा राजनीतिक मुद्दे के रूप में बदला है उसके दुष्परिणाम हुए हैं गाय को जब से राजनीतिक मुद्दे के रूप में लोगों ने लिया है गाय हमारी माता है देश धर्म का नाता ये नारे लगाने लग गए राजनीतिक लोग मंचों से बोलने लगे और उसका दुष्परिणाम यह निकला कि उससे ईर्ष्या करके एक व्यक्ति पक्ष में आ जाता है दूसरा उसके विरोध में आ जाता है जी जी, आज देश में कुल लगभग 19 करोड़ गाय हैं 19 से 20 करोड़ गाय हैं और अपने आप को जो हिंदू समाज कहता है वो एक सौ तेईस करोड़ के आसपास उनकी संख्या यदि एक गाय को रखने लगे तो पांच से छह लोग एक गाय को रख सकते पर रख नहीं रहे और उसका दुष्परिणाम ये रहा लोग सिर्फ नारे लगा रहे हैं जी आज भी पिंक के नाम पर जो है देश में बहुत कुछ पीछे बातें कही गई थी और चौदह से सत्रह परसेंट जो है बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है यदि तो जो जो थे उनमें। तो इसी प्रकार से गाय के मुद्दे की तरह से ये मुद्दा भी राजनीतिक बना और उसका दुष्परिणाम यह निकला जिस तरह से उस बहन का विरोध किया कुछ लोगों ने लड़कियों ने भी लड़कों ने भी लाल स्कार्फ पहन करके स्कूलों में जाना शुरू किया उसके प्रोटेस्ट निकालना शुरू किया जी। उसकी एवज उसको देखते हुए उसके विरोध में जो ओवैसी है सांसद है वो कुछ का कुछ बोलता रहता है वो कुछ आदमी डंका तो नहीं है वो उसने कहा कि हम जो है हिजाब पहनने वाली बहनों को राष्ट्रपति के पद पर बैठाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर बैठाएंगे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ अवैसी साहब यदि आप इनको बहुत ऊंचा उठाना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं आप इनको अपनी मस्जिद में जगह देते क्यों आज तक भी भी हैं बहन नहीं बनी है ठीक है ना मुकेश जी मैं ये कह रहा हूँ आप वहां तो बैठा देंगे आप चार कदम की दूरी पे अपनी मस्जिद में महिलाओं को नहीं जाने दे रहे ये आप सही कह रहे हैं स्वामी जी इनको एंट्री नहीं है अंदर हम भी पीछे अभी एक जगह पड़ती है पिलाने के पास वहां मस्जिद में गए थे हाँ हाँ। और विशेष तौर पर यही देखने के लिए गए थे तो जैसे ही वो बाहर लिख लेते हैं कुछ पैसे वैसे जो देते हैं चद्दर के और एक एक जो जगह है उससे आगे महिलाओं की एंट्री बंद, बंद है हमने जाने की कोशिश भी की उनसे पूछा भी तो बोला ये हमारा नियम है इससे आगे नहीं जाने देंगे तो आप ये सही बात है कि जो आदमी एक देश की जो सर्वोच्च जो पद है उस पर बिठाने की बात हो रही है बैठना चाहिए महिलाएं बैठे पहन करके बैठे क्या बात है जी जी बिल्कुल भुट्टो जो है वो कोई हिजाब पहन करके बिल्कुल, बैठी बिल्कुल, थी पाकिस्तान में बैठी थी, थी तो और भी अलग से बहुत से देशों में है और कम से कम दस देशों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पर हिजाब के ऊपर पाबंदी है मुस्लिम देशों के ऊपर सऊदी अरब में हिजाब के ऊपर कोई अनिवार्यता नहीं है सऊदी अरब से तो ये पैदा हुआ है ये मत है जी जी दूसरी बात ये है जैसा ओवे जी कह रहे हैं कि भाई मैं कह रहा मस्जिद में आप तो महिलाओं को जो है खेती मानते हैं उपभोग की वस्तु मानते हैं बिल्कुल सही ठीक है ना जो उपभोग की वस्तु है जिसको खेती के रूप में प्रयोग करने की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इन बहनों को ही कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा कि खुद के सम्मान के लिए जी, जी, जी. खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा खुद के सामर्थ्य से आगे बढ़ना पड़ेगा ओवैसी ने यह बयान दिया उसकी आवाज में फिर दूसरे लोगों ने बयान दिया तो कहीं ना कहीं इसको भी मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है जबकि मैंने ये कहा था शुरू में ही कि कहीं अब एक बहस सुंदर बहस सामाजिक मुद्दे के ऊपर समाज में चेतना पैदा करने के लिए एक बहस छिड़नी चाहिए और इस बहस की शुरुआत आर्य समाज से करनी चाहिए पर दिक्कत यह है कि आर्य समाज में जो आजकल के फर्जी सोशल मीडिया पे जो लड़के बैठे हुए हैं ना वो हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं कितने लड़कों ने ये पोस्ट डाल रखी है कि भाई ठीक है तुम हिजाब पहनो हम जो है इधर से नागा बाबाओं को लेकर के आएंगे ये क्या है ये कोई जवाब है अगर मैं आज कोर्ट इजाज़त दे देती ठीक है तुम लोग नागा बाबाओं को स्कूलों में ले जाओ वहाँ भी तो हमारी बहनें पढ़ती हैं बिल्कुल वहाँ भी तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं तुम लोग बोल क्या रहे हो आप सिद्धांत के ऊपर तर्क के ऊपर आकर के कहीं वेद के आधार पर जो बात है उसको आकर के मानना चाहिए वो हिजाब धर्म के नाम पर दूसरा क्या कि ये लोग चाहे वो हिंदू कट्टरवादी हिंदू हों जी या जी 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 जो है कट्टरवादी मुसलमान हो दोनों क्या करते हैं ये अपने आप को मानते हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है का अधिकार देता है परंतु धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप सांप्रदायिकता के नाम पर देश को तोड़ने का काम करो अराजकता फैलाने का काम करो दोनों ही तरफ से चाहे मुसलमान हो आरएसएस का एक मुस्लिम आरएसएस का संगठन है जो मुस्लिम मंच ऐसा कुछ करके जो मुस्लिम शाखा उसने हिजाब का समर्थन किया है उस बहन का समर्थन किया है कि भाई हाँ ये जो बहन कार्य बिल्कुल ठीक है इसको हम ऐसी गाड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकते हम इसके साथ हैं तो कहीं ना कहीं इसमें टोटली पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स नहीं इसको सामाजिक मुद्दा बनना चाहिए मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं स्कूल के अपने जो नियम कायदे कानून है जो कोड है उसके अनुसार ही अंदर ड्रेस होनी चाहिए स्कूल के अंदर और किसी को भी इस प्रकार की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए और बहनों के मान सम्मान के लिए आर्य समाज को आगे आना चाहिए क्योंकि आर्य समाज ने आज नहीं वर्षों पहले जब स्त्री शूद्रों ने देहताम की बात चलती थी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है तब बात महर्षि ने पढ़ने की बात की जब महिलाओं को पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी कहा जाता था तब महिलाओं को बराबर के अधिकार दिलाने की बात की तो आज भी महर्षि दयानंद के उन विचारों को पूरा करने के लिए महर्षि दयानंद के सिपाहियों को आगे आना चाहिए जी 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 बिल्कुल एक स्वामी जी जैसे अभी बात चल रही थी राजनीतिक मुद्दों की तो अः कुछ लोगों ने यह कहा कि हम हिजाब पहना के वहां मेनू को बिठाएंगे हाँ जी, हाँ जी। कुछ ने ये कहा कि हम कम से कम कपड़े पहन के लड़कियाँ स्कूल में जाए हाँ। कॉलेजों में जाएं तो एक एक नारी का एक लड़की का जो मर्यादित जीवन है हाँ। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे नहीं संदेश तो मैं यही कहना चाहता हूँ परमात्मा के बाद सबसे बड़ा रूप या सबसे बड़ा कद किसी का तो माँ का है यदि माँ ना हो तो ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती माँ के माध्यम से हम पहला कदम समाज में रखते हैं माँ जितनी संस्कारी होगी सुशिक्षित होगी उसका समाज में भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आज मातृशक्ति से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें हम लोग आप लोगों के साथ हैं आर्य समाज आपके साथ है कहीं ना कहीं आवश्यकता है उनको अपने आधार पर भी नैतिक आधार पर भी सामाजिक आधार पर भी सैद्धांतिक आधार पर भी और वैज्ञानिक आधार पर भी ये विचार करने की आवश्यकता है कि सही क्या है गलत, गलत क्या, क्या है क्या? और जो चीज़ सही है चाहे वो वेद के अनुरूप हो संविधान के अनुरूप हो उन सब बातों को मान करके आगे बढ़ना चाहिए जी ये एक आज एक मैं इससे थोड़ा सा हटके प्रश्न और है स्वामी जी में आज के टाइम में जैसे ये नारी के ऊपर हम बात कर रही हैं महिलाओं के ऊपर जब बात चल रही है तो आज का जो अपना भौतिक युग है इसमें महिला को एक प्रदर्शनी के रूप में जो पेश किया जा रहा है हुँ, हुँ, थोड़ा प्रश्न मेरा हिसाब से हटके है लेकिन ये जरूरी है इसमें जुड़ रहा है तो ये जो अलग अलग विज्ञापनों में चाहे विज्ञापन किसी भी चीज़ का है लेकिन उसमें एक महिला को ला के खड़ा कर देते हैं बिल्कुल बिल्कुल है। कहीं ना कहीं समाज में ऐसी सोशल मीडिया पे लड़कियों के माध्यम से लड़कों के माध्यम से ग्रुप बनाए जा रहे हैं जहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है हजारों लाखों वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे हैं तो एक जिम्मेदारी समाज की जो है वो कहीं ना कहीं उससे समाज भटक रहा है तो महिला को जिस रूप में हम आज अलग अलग प्रदर्शनी के रूप में अलग अलग जगह पे वो किया जा रहा है तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए आर्य समाज को भी और पूरे समाज को भी बल्कि मैं कहूँगी मुकेश बहन जी आप साक्षी रहे हैं कई कार्यक्रमों के जिनमें हमने अश्लीलता के विरुद्ध जो है कार्यक्रम किए हैं पूरे मार्च पास्ट किए हैं जन यात्राएं निकाली हैं और हमारा एक ही पक्ष है महिला कोई उपभोग की वस्तु नहीं है और ना ये उत्पादकों उत, उत्पादों को बेचने की वस्तु जी है। जी जी बिल्कुल आज दिक्कत ये है कि व्यक्ति को सोडा बोतल बेचनी है तो महिला निकल कर करके आएगी पानी में से तो ये जानबूझ करके महिलाओं का जो है ना प्रदर्शन करके अपना सामान बेचने के लिए का प्रयोग कर रहे हैं हमने तो केंद्र सरकार से भी जो है मांग की थी राज्य सरकारों से भी मांग की थी कि इस तरह के विज्ञापन बंद होने चाहिए और जिस देश में अपने देश में तो खासकर जो देश जो है कभी विश्व गुरु रहा है शुद्ध परम्पराएं रही हैं सिद्धांत वेद के हम लोग मानने वाले रहे यहाँ ये कहा जाता था कि यत्र नारियोस्तु पूजयंत रमनते तत्र देवता दे जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है ये सम्मान नहीं कर रहे हैं हम जी, जी। दिक्कत ये है कि जो लोग सेंसर बोर्ड में इन फिल्मों को पास करते हैं उन वो खुद अपने परिवार के साथ बैठ कर के फिल्में नहीं देख सकते सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है पैसा 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 उनको चाहिए हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि ये सारा का सारा यूरोपियन कंट्रीज से कल्चर आया है पर यूरोपियन कंट्रीज आज भी हमारे से लाख दर्जे अच्छे हैं वो जैसे हैं स्पष्ट हैं दिखते हैं यहाँ दोगलापन है व्यवहार में कुछ है जीवन में कुछ है बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ जी, देखेंगे कुछ तो ये जो कहीं ना कहीं जो है जो लबादा लोगों ने ओढ़ रखा है धर्म के नाम पर इस देश में धंधे चलते हैं एक व्यक्ति जो यहाँ पर हिसार से थोड़ी सी दूरी के बाद शीरसा है वेरा चलाता था वो धर्म के नाम पर अपने आपको कुछ करता वो फिल्में बनाने लग गया जी जी बिल्कुल अपने धर्म की बेटी के जो है अपनी उस फिल्म में अपनी फ्रेंड बना करके उसके साथ नाच रहा है बदमाश कहीं खा जी जी। तो ये जो चल रहा है ना वो भी सिर्फ वो नहीं धर्म गुरु ही नहीं आज का जो समाज का सिस्टम कहीं ना कहीं पता है क्या है जो चीज़ें समाज में आती हैं जिसको मार्केटिंग करनी है ना वो समाज के हिसाब से चीज़ें बेचता है उसको ये पता है कि आज समाज में ये चीज़ें देखी जा रही हैं इसलिए वो उनका प्रयोग कर रहा है कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि आर्य समाज की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा लोगों को सावधान करने की आवश्यकता है आज दिक्कत क्या है कि मैं तो सोचता हूँ कि मेरी माँ बहन बेटी को कोई कुछ ना कहे और ख़ुद जब घर से बाहर निकलता है तो दस बहनों को कुछ ना कुछ इटाकसी कर करता हुआ जाता है तो आज बहनों को भी ये बात सख्ती से लागू करनी पड़ेगी अपने घर में जब भी कोई भाई जो है बाहर जाए उसको समझा के भेजें कि आप बाहर जा रहे हो आप यहाँ से निकलने के बाद आपको बहुत सी सैकड़ों बहने मिलेंगी जी जी। वो आपकी माँ के पेट से तो नहीं पैदा हुई परंतु वो भी किसी न किसी की बहन है जब तक आप वहाँ रहो तो उनको ये प्राउड फील होना चाहिए कि जब तक ये भाई खड़ा हुआ है मेरे मान सम्मान को कोई ठेस नहीं आ सकती जी जी। जब बहने अपने भाइयों को इतना सख्त करके भेजेंगी माँ अपने बेटों को सख्त करके भेजेंगे और भाई भी खुद से ये फील करेगा कि नहीं ये बहने मेरी जिम्मेदारी है इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है इनका सम्मान मेरी जिम्मेदारी है तो बदलाव आएगा चैरिटी सेट होम अच्छाई की शुरुआत तो घर से करनी जी, पड़ेगी घर से जब हम माँ बहन बेटियों का सम्मान करेंगे तो समाज जो है वो अच्छाई की ओर बढ़ेगा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका बहुत धन्यवाद बहन मुकेश आपने इन मुद्दों पर बात की आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं उठ जाने से पहले नाड़ी वैद क्या कलिए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें